टीचर भगवान का रूप होता है और उसको अनमोल भैया जैसे ही बन के बचाया जा सकता है। इससे ऐसे अनमोल अगर बहुत सारे मिल जाए तो शायद हमारा देश बच सकता है। अनमोल जी की एक्टिंग बहुत ही बढ़िया थी, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा था, बच्चों के लिए जो मोटिवेशन दिया है उन्होंने उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि गुरु की इज्जत जरूर बचेगी। गुरु की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने जो मेहनत की है, जो प्रयास किया है, उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और हम भी ये कोशिश करेंगे कि गुरु की इज्जत ऐसे ही बची रहे और बच्चों का भविष्य बनता रहे। 10 में से पूरे 10 है अंक तो पिक्चर को, जिस सब्जेक्ट को लेकर ये पिक्चर बनाई जा रही है उस सब्जेक्ट के अनुसार ये पिक्चर में 10 में से 10 नंबर है। शिक्षा को लेकर जो बच्चों के प्रति बनाई जा रही है उसके ऊपर 10 में से 10 अंक देना चाहूंगा सर। मैं हमारे साथियों की, उनके पेरेंट्स की और हमारे जो भी रह गए उनकी सभी की जिम्मेदारी मानना चाहूंगा कि उनको भी हमारे को दिखाना चाहिए। अनमोल भैया मूवी दूसरी बार दिखाने लेके आया हूँ, बहुत ही मोटिवेट के तौर पे बहुत ही अच्छी मूवी है। इसको इस मूवी के अंदर बच्चों के साथ पूरा स्टाफ अभिभावक अगर हो तो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये इन चारों के सामर्थ्य को बिठाने के लिए ये मूवी बनाई गई है कि एक अभिभावक भी गलत नहीं है, अध्यापक भी गलत नहीं है और बच्चे भी गलत नहीं, लेकिन कुछ कहीं छोटे बड़े या कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से पूरे ये गुरु जो बदनाम हो रहा है, इस गुरु को अपन को कैसे भी बचाना है, किसी भी हाल में बचाना है। ये मूवी मेरे को बहुत अच्छी लगी और इसने हमें स्टूडेंट और टीचर दोनों की लाइफ को सुधार हो सकता है और मैं इस मूवी पर पूरी तरह अमल करूंगी और अपने गुरुजनों का मैं सम्मान करूंगी, उनकी बात मानूंगी, वो जैसे बोलेगी मैं वैसा ही करूंगी।